हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, सुपर बॉय एमएसके एंड यू वाचिंग रॉयल टेक्निकल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश राठौड़ एक्सपोज इल्यूमिनाटी। तो आज हम विश राठौड़ को एक्सपोज करेंगे, इसकी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इल्यूमिनाटी बनी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, कभी आप मुझे पाकिस्तानी समझे, क्योंकि वो ज़्यादातर वीडियोस अपलोड करते हैं इस मामले में, तो आपको इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो अब बढ़ते हैं विश राठौड़ की तरफ। ये गुजरात के राजकोट में रहने वाली थी। इसकी 2 साल की उम्र में इसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से ये अपने डैड के साथ रही और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी। बड़े होते होते इसके डैड का स्वभाव इसके साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए कुछ ऐसी बात हो गई जो कि इनने भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी, कि इसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। और जब इसे घर से बाहर निकाला था तो इसे मंदिर की सीढ़ियों पर सोना पड़ा था। सर्दी का टाइम था और इसकी किसी एक फ्रेंड ने इसे सजेशन दिया कि तुम मॉडलिंग करो। और इसने किस तरीके की मॉडलिंग करी, अब आप ये पिक्चर्स देखिए समझ जाएंगे। तो इसने इतनी घटिया मॉडलिंग की और फिर ये टिकटॉक पर आई। टिकटॉक एक इल्यूमिनाटी का ही प्लेटफॉर्म है और ये वहाँ पर फेमस हुई और इसके 10 मिलियन के करीब आज के टाइम में फॉलोवर्स है। आप ये पिक्चर देखिए और बताइए कि इसकी चेस्ट पर जो साइन या सिंबल बना हुआ है वो एक इल्यूमिनाटी सिंबल है, जो कि ये अपने मुंह से खुद भी बयां कर चुकी है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, क्लिप देखिए गौर से, कि जो इसने मुंबई हैशटैग के साथ, जो कि मुंबई हैशटैग भी इल्यूमिनाटी का ही एक प्लेटफॉर्म है। अब आप क्लिप देखिए। कुछ लोगों का कहना है कि आप इल्यूमिनाटी के फॉलोअर हो। अच्छा, तो ये सच है या झूठ, ये मुझे बताना है, मतलब पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन है कि कई लोग बोलते हैं जिस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल है, टैटू कराना, कई चीज आप में, उन लोग एक एक चीज एक्सपोज करते, कई वीडियो बनते हैं, क्या विश राठौड़ इल्यूमिनाटी है? अगर देखो, मैं सच बताती हूँ, हैशटैग मुंबई है ना, उनका फंडिंग कहाँ से आता है फिर? अगर मैं हूँ नहीं हूँ तो हैशटैग मुंबई का भी तो फंडिंग वहीं से आता होगा ना। तो इस पे आपका जवाब क्या रहेगा? आप बात घुमा दी। मेरा वही है, हैशटैग मुंबई को पूछो कि उनका फंडिंग कहाँ से आता है। तो देखा आपने, इन्हें अपने मुंह से मना तक नहीं करा कि मैं नहीं हूँ। और मुंबई हैशटैग वाले, उन लोगों ने भी ये इनकार नहीं किया कि हम नहीं हैं इल्यूमिनाटी। उन्होंने एक्सेप्ट ही करा एक तरीके से, जवाब ना देकर। अगर आप जाएंगे टिकटॉक पर, इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके की है, मतलब कैसी है। तो यार ये देखिए, ये एक एजेंडा है उनका, इल्यूमिनाटी के लोगों का, कि ऐसे लोगों को ये हायर करेंगे। तो जिस टाइम पर इसे घर से निकाला गया था, उसी टाइम पर इल्यूमिनाटी के लोगों ने इसे, मतलब, कॉन्टेक्ट किया था इससे, और आज आपके सामने है फेमस कितनी हो गई है और क्या आप सब देख सकते हैं। वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं और जो उनका एजेंडा है वो उनको अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसको टैटू का तो शौक़ था ही, आप देख सकते थे, अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी। तो ये इन्हें अपनी चेस्ट पर इल्यूमिनाटी का, मतलब, सिंबल था, उसका भी टैटू बनवाया है और इसकी पूरी बॉडी पर लगभग टैटू बने हुए हैं। और आप खुद सोच सकते हैं कैसे बनवाए होंगे। पहला टैटू अपने ग्रैंडपा की डेथ पर मिस यू ग्रैंडपा के नाम से बनवाया था। ये अपने ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा, मतलब, प्यार करती थी और इसकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी टैटू की। ऐसा भी हो सकता है, जैसे जब इनने फ़ोटो शूट करा रही थी अपने, जो आपने देखे थे ना अभी फ़ोटो,
तो वाले फ़ोटो जब शूट करा रही थी ये, तो उसी टाइम पर इल्यूमिनाटी के लोगों ने इससे कांटेक्ट किया हो, जब भी ये इल्यूमिनाटी बनी हो, जो कि जब इनने फ़ोटो शूट कराए थे तो उस टाइम पर इसके इतने टैटू नहीं थे और इल्यूमिनाटी वाला भी टैटू नहीं था, तो उसी टाइम पर कांटेक्ट किया होगा और ये इल्यूमिनाटी आज आपके सामने है और आज इसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग है, जो इल्यूमिनाटी वाले कहते हैं कि कामयाबी मिलेगी आप इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो। वैसे ये सब बकवास है, जो कि वेबसाइट्स वगैरह में ये एडवर्टीज़मेंट देते हैं अपने, ये सब बकवास है। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैंने चेक करा, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं करते, अपना बस प्रोडक्ट बेचते हैं वेबसाइट के द्वारा, बस और कुछ नहीं। बाकी ये जो साइट के लोग होते हैं, मतलब वो काम करते हैं इनका सारा, जैसे इसे हायर करा इन लोगों ने, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और जब ये घर से बाहर थी तो इसे अपने ग्रुप में शामिल करा और आज ये इल्यूमिनाटी है। तो दोस्तों, आप सब को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ऐसी वीडियो बना के लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं RSS पर बनाऊँगा, जो RSS है वो इल्यूमिनाटी से उनका पूरा कनेक्शन है, ये कैसे कनेक्शन है मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ और जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ RSS के ऊपर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अगर मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।